आप देखते होंगे जब उनके किसी एक माफिया सागृत को, किसी डकैत को जो पुलिस मुठभेड़ में मारा जाता है, जब मारा जाता है तो इनकी दुखती हुई नस पर जैसे पुलिस ने उंगली रख दी हो तब ये चिल्लाने लगते हैं। आप मुझे बताओ जो डकैत पुलिस मुठभेड़ में मारा गया अगर वह डकैत जैसे हथियारों का प्रदर्शन करते हुए डकैती डाल रहा है, वहां ग्राहक भी बैठे हैं, ग्राहकों को खड़ा करके एक तरफ करके अगर गोली मार देता तो क्या उनकी जान को ये समाजवादी पार्टी वापस कर पाती क्या? और वो किसी भी जाति के हो सकते थे, ग्राहक वो यादव भी हो सकता था, दलित भी हो सकता था, किसी भी जाति का हो सकता था, क्योंकि किसी को बेटी की शादी करनी होती है, किसी को कोई विदाई में कोई जेवर देना होता है। जेवर की परंपरा हमारे इतिहास का एक महत्वपूर्ण कार्य का हिस्सा है, मांगलिक और एक शुभ कर्म का हिस्सा माना जाता है। और अगर जेवर खरीदने के लिए किसी सराफ और किसी सुनार के घर में, व्यवसायिक प्रतिष्ठान में कोई ग्राहक गया है और उस ग्राहक के साथ लूट हो, उस व्यापारी के साथ सरेआम लूट हो, डकैती डाल करके करोड़ों रुपए की डकैती डाल दी जाए, अगर डकैत हत्या करके भाग गया और पुलिस के पास सुराग नहीं मिलती तो यही लोग बोलते देखिए साहब अराजकता है। और अगर पुलिस ने पकड़ लिया, कार्रवाई कर दी और फिर मुठभेड़ में, आपसी मुठभेड़ में डकैत मारा जा रहा है तो समाजवादी पार्टी को बुरा लग रहा है, कह रहे साहब ये नहीं होना चाहिए था। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel, ABP Live Premium.